तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ड्रैग रेस बिटवीन एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और जो एक अपना नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर होता है उसके बीच में। यह है एक्टिवा और यह है डेल्टिक ड्रिक्स। जो इसके जो पूरा वोकरॉन रिव्यू है उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, तो आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसकी टॉप स्पीड कुछ नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 25 रहती है, लेकिन अभी अपने को टेस्ट के लिए मिला था इसमें 45 है। उस हिसाब से अपन देख लेंगे। इसकी रेंज वगैरह 70 किलोमीटर्स पर चार्ज रहती है। बाकी जो मेजोरिटी ऑफ द डिटेल्स वो सारी चीज़ें आपको वोकरॉन रिव्यू में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये है एक्टिवा की 4G। ठीक है, एक्टिवा 4G है, ये BS4 कंप्लाइंट इंजन है, 109 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों के अंदर, मतलब जो मेरा विश्वास है उस हिसाब से तो जो पेट्रोल स्कूटी है एक्टिवा यही जीतनी चाहिए। अब बस मेरे को ये देखना है कितना ज़्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, 3 हॉर्न मारूंगा मैं तब शुरू करना है ना। ठीक है, गाड़ी तो शुरू कर लो। तो इनिशियली जो है मतलब ठीक बराबर रहता है, उसके बाद अब जैसे उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा, उसके अंदर टॉर्क वगैरह सब ज़्यादा, तो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। मुझे वैसे देखना क्या कितना गैप हम जो है दोनों स्कूटर के बीच में क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब अभी तक तो कोई खास ज़्यादा आगे जा नहीं पाई, तो इतना कोई बड़ा जो है, मतलब पहला राउंड अपन यहाँ इतना ही रखते हैं 100 मीटर के आसपास का, ताकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो अचीव हो जाती है। तो इतना कुछ खास जो मेजर डिस्टेंस है वो कवर हो नहीं पाया, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस हुआ नहीं दोनों के बीच में। अब अपन दूसरा राउंड करते हैं एक बार। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा एक्टिवा मतलब ज़्यादा बढ़िया डिस्टेंस बना पा रही है, लेकिन फिर भी मतलब इतना कोई खास मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में आता नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंसीडरेबल है ये डिस्टेंस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है और वो पेट्रोल है। तो अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो अपना ट्रेंड लाएंगे और धीरे धीरे इसके अंदर अलग अलग वो होता जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक पेट्रोल स्कूटी और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के बीच में, मतलब अगर आप ड्रैग रेस कराते हो तो ऑब्वियसली पेट्रोल ही जीतेगा फिलहाल की सिचुएशंस के हिसाब से तो। लेकिन जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो आप इतना कुछ खास उसके ऊपर कंप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक्स का जो धीरे धीरे ट्रेंड आया है तो इसके ऊपर धीरे धीरे पावरफुल इंजन वगैरह, मतलब जो मोटर्स वगैरह हैं वो आती जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।